एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज़ अंजलि शर्मा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंडल. सो आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है डिज़ाइन ऑफ वेल्डेड जॉइंट, यानी कि वेल्डेड जॉइंट में बट जॉइंट और फिलेट जॉइंट्स को कैसे डिज़ाइन करते हैं, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिस वेल्डिंग जॉइंट की बात करेंगे वो है बट वेल्ड. बट वेल्ड के फॉर्मूलेज कैसे निकालते हैं इसमें हम ये देखेंगे. बट वेल्ड में हम जानते हैं तीन फोर्स काम करते हैं, टेंसाइल, कंप्रेशन एंड शेयरिंग फोर्स. तो इन तीनों के फॉर्मूलेज हम इस वीडियो में देखेंगे. तो सबसे पहले हम जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें ये देख लेते हैं कि क्या क्या हमें दिया गया है या क्या क्या हमें बताया गया है. सो यहाँ पर हमें एक एल दिख रहा है और ये एल है वेल्डिंग की लेंथ. देन टी हमें दिख रही है, टी है प्लेट की थिकनेस या प्लेट की मोटाई जिसे हम कहते हैं, और इन दोनों प्लेटों पे फोर्स लग रहे हैं. अब हम इसके लिए आपको बता देते हैं, ये टी प्लेट की थिकनेस है, एल यहाँ पे जो यूज़ होगा वो है वेल्ड की लेंथ, और यहाँ पे एक टर्म और यूज़ होगी वो है एफ डैश टी. तो एफ डैश टी जो है वो टेंसाइल स्ट्रेस होगा, टेंसाइल स्ट्रेस हम इसे कहेंगे एफ डैश टी को. तो अब हम ये देखेंगे कि इनमें क्या क्या फॉर्मूले होंगे. अगर हम टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए देखते हैं तो क्या फॉर्मूला होगा, और शेयरिंग स्ट्रेस के लिए देखते हैं तो क्या फॉर्मूला होगा, और कंप्रेशन के लिए देखते हैं तो क्या फॉर्मूलेज होंगे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेंसाइल की. टेंसाइल में जो हमारा लोड होता है एफ सी, उसकी स्ट्रेंथ के लिए हम निकालेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ है एफ टी, क्योंकि हम ये टेंसाइल की बात कर रहे हैं. एफ टी इट्स इक्वल टू टी इंटू एल इंटू एफ डैश टी. टी यानी थिकनेस ऑफ प्लेट इंटू लेंथ ऑफ वेल्ड इंटू टेंसाइल स्ट्रेंथ या टेंसाइल स्ट्रेस जो हमें गिवन होगा हमारे न्यूमेरिकल्स में. देन कंप्रेशन स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम एफ सी कर देंगे. एफ सी इट्स इक्वल टू टी इंटू एल इंटू एफ डैश सी. फॉर्मूला वही रहेगा, बस आपको स्ट्रेस की वैल्यू चेंज करनी है और जो आप लोड निकालेंगे वो आपको पता चल जाएगा. ऐसे ही शेयरिंग में होगा एफ एस इट्स इक्वल टू टी इंटू एल इंटू एफ डैश एस. टी है थिकनेस ऑफ प्लेट, एल है लेंथ ऑफ वेल्ड, और एफ डैश एस है शेयरिंग, और वी कैन से दैट शेयरिंग स्ट्रेस. सो यहाँ हमें ये पता चल गया, ये तो हो गई बट वेल्ड की बात. अब अगर हम फिलेट की बात करें तो फिलेट में हमें दो चीज़ के फॉर्मूले निकालने होंगे. फिलेट जॉइंट में पैरेलल फिलेट जॉइंट एंड ट्रांसवर्स. पैरेलल क्या होगा, जो हमारी वेल्ड की लाइन है उस लाइन के पैरेलल जो हमने फिलेट जॉइंट लगाया है, एक तो उसके लिए फॉर्मूले निकालेंगे, और एक ट्रांसवर्स के लिए, यानी कि जो प्लेट है उसके ट्रांसवर्सली जो फिलेट जॉइंट हमने लगाया है उसके लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे पैरेलल फिलेट जॉइंट की. तो पैरेलल फिलेट जॉइंट के लिए अगर हमें शेयरिंग का निकालना है, पैरेलल में शेयरिंग काम करेगा, आपको याद रखना है, क्योंकि वो पैरेलल है तो पैरेलल कंडीशन में शेयरिंग फोर्स काम करता है, ये हम जानते हैं. तो हम पैरेलल कंडीशन में शेयरिंग फोर्स निकालेंगे. तो शेयरिंग फोर्स के लिए इसमें वही फॉर्मूला यूज़ होगा जो हमने बट में यूज़ किया था. एफ एस इट्स इक्वल टू एफ डैश एस इंटू एल इंटू टी. पर यहाँ पे टी की जगह एस बाय अंडर रूट टू यूज़ हो रहा है. ये यहाँ क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि हमने जब फिलेट जॉइंट पढ़ा था या देखा था उसकी क्या क्या टर्म्स होती हैं, वहाँ हमने ये देखा था कि जो थिकनेस ऑफ प्लेट होती है उसे हम कैसे निकालते हैं, एस बाय अंडर रूट टू से. और इसे हमने पूरा सॉल्यूशन भी देखा था कि ये कैसे आता है. तो हमने यहाँ पे सिर्फ टी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है एस बाय अंडर रूट टू, और यहाँ इंटू में टू इसलिए लिखा गया है क्योंकि पैरेलल है. पैरेलल में दो जगह फिलेट बने हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, तो इसीलिए यहाँ पे इंटू टू कर दिया है, जिससे हमें पता चल जाएगा पैरेलल फिलेट जॉइंट के लिए शेयरिंग का फॉर्मूला. अब इसमें हम जानते हैं एस है फिलेट की लेग लेंथ जो होती है, एल हम जानते हैं इफेक्टिव लेंथ जो है, और एफ डैश एस है शेयरिंग स्ट्रेस. अब हम बात करेंगे ट्रांसवर्स फिलेट की. ट्रांसवर्स फिलेट जॉइंट में क्या होगा कि जो हमने फिलेट जॉइंट बनाया है अब हम उसे ट्रांसवर्सली बनाएंगे. हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ. तो हम इसे क्या करेंगे, अनुप्रस्थ फिलेट जोड़ के लिए यहाँ देखेंगे कि फॉर्मूले कैसे निकलेंगे. अब अगर हम अनुप्रस्थ की बात करें, यानी कि ट्रांसवर्स फिलेट जॉइंट की बात करें, तो यहाँ पे दो फोर्स यूज़ होंगे, टेंसाइल एंड कंप्रेशन, क्योंकि ट्रांसवर्सली दो फोर्स यूज़ होते हैं, टेंसाइल और कंप्रेशन, ये दो फोर्स यूज़ होते हैं. तो अब हम यहाँ पे इन्हीं दोनों के लिए फॉर्मूलेज देखेंगे. तो
अब इसमें वही फॉर्मूला पुट किया जाएगा जो बट जॉइंट में था, एफ टी इज इक्वल टू एफ डैश टी इंटू एल इंटू टी, और टी की जगह हमें पता है फिलेट जॉइंट में हम यूज़ करते हैं एस बाय अंडर रूट टू, सो हम यहाँ यूज़ कर लेंगे एस बाय अंडर रूट टू। ऐसे ही कंप्रेशन के लिए भी निकल जाएगा, कंप्रेशन के लिए भी हम जानते हैं क्या फॉर्मूला है, एफ सी इट्स इक्वल टू एफ डैश सी इंटू एल इंटू टी, और टी की जगह हम पुट करेंगे एस बाय अंडर रूट टू। सो जो फाइनल फॉर्मूले हमारे आएंगे निकल के वो होगा एफ सी इट्स इक्वल टू एफ डैश सी इंटू एल इंटू एस बाय रूट टू। एफ डैश टी और एफ डैश सी हम यहाँ जानते हैं क्या है, वेल्ड के लिए परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस और परमिसिबल कंप्रेशन स्ट्रेस। सो यही था आज का हमारा टॉपिक, सो हमने इसे सॉल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें कितना समझ आया, तो उसके लिए हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे और ये पता लगाएंगे कि कैसे न्यूमेरिकल आते हैं। सो यहाँ जो मैंने फर्स्ट न्यूमेरिकल लिया है, उस न्यूमेरिकल में हमें दिया गया है कि एक 100 mm चौड़ी और 12 mm मोटी प्लेट को एक दूसरी प्लेट से द्विवेल्ड समांतर फिलेट वेल्ड द्वारा जोड़ा जाना है। द्विवेल्ड समांतर यानी कि हम यहाँ पैरेलल फिलेट वेल्ड की बात कर रहे हैं। प्लेट में 80 किलो न्यूटन का खिंचाव बल है, यानी कि उसने हमें टेंसाइल स्ट्रेस भी गिवन किया है। वेल्ड का साइज तथा लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको वेल्ड का साइज और लेंथ बतानी है। वेल्ड के लिए टेंसाइल और शियरिंग जो उसने हमें दिया है, स्ट्रेस या कार्यकारी बल जिसे हम कह रहे हैं, वो उसने हमें दिया है 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर और 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अब हमें सॉल्व करना है, हमें क्या क्या गिवन डाटा है हम सबसे पहले वो लिखते हैं, तो वही लिखेंगे। तनन कार्यकारी प्रतिबल यानी कि टेंसाइल स्ट्रेस हमें गिवन है 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देन हमें गिवन है प्लेट की चौड़ाई यानी कि ब्रेथ 100 mm, थिकनेस भी हमें पता है 12 mm, और शियरिंग स्ट्रेस भी हमें गिवन है 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और हमें गिवन है टेंसाइल फोर्स जो है 80 किलो न्यूटन, और उसने हमसे पूछा है वेल्ड का साइज। तो वेल्ड के साइज़ के लिए हम जानते हैं फिलेट जॉइंट हम यहाँ बना रहे हैं और वो भी पैरेलल, तो इसके लिए हम जानते हैं कि टेंसाइल जो हम लगा रहे हैं फोर्स या जो हम फिलेट यूज़ कर रहे हैं जॉइंट, तो उसमें हम साइज़ कैसे निकालते हैं। हमें पता है टी इज इक्वल टू एस बाय अंडर रूट टू, तो हम यहाँ से एस निकाल सकते हैं क्योंकि टी हमें गिवन है, तो टी इंटू अंडर रूट टू करके हमारा एस हमें पता चल जाएगा। देन हम निकालेंगे, उसने हमसे लेंथ पूछी है लेकिन उसने हमें ये नहीं बताया कि उसे कौन सी लेंथ चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि जो मैक्सिमम लेंथ है उसमें ऐड कर देंगे 12.5 mm। यहाँ पे 12.5 mm क्यों ऐड होता है ये मैं आपको तभी बताऊंगी जब हम ऐड करेंगे, अभी हम फ़िलहाल लेंथ निकाल लेते हैं। तो शियरिंग और टेंसाइल दोनों की हम लेंथ निकालेंगे और उनका फॉर्मूला पुट कर देंगे। शियरिंग का फॉर्मूला हमें पता है P इट्स इक्वल टू एफ एस इंटू एल एस इंटू एस बाय अंडर रूट टू होता है, T हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने S इंटू अंडर रूट टू क्यों लिखा है ये बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, तो उसके लिए हम आपको बता देते हैं कि हमने यहाँ पे पूछा है उसने हमसे पैरेलल फिलेट वेल्ड, और पैरेलल में हम जानते हैं दो जगह फिलेट होता है लेफ्ट एंड राइट, तो हम इंटू कर देते हैं टू से, और जब हम टू से इंटू कर देंगे तो हम टू को अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू लिख सकते हैं, और अंडर रूट टू से जो नीचे है एस बाय अंडर रूट टू वो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ एक अंडर रूट टू बचेगा। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दिया है एस इंटू अंडर रूट टू। अब जो हमें यहाँ से निकालना है उसे हम एक साइड छोड़ के बाकी सब दूसरी साइड ले जाएंगे, तो हमें एल निकालना है तो हम उसे छोड़ के बाकी सब उठा के दूसरी साइड ले जाएंगे, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एल इट्स इक्वल टू पी अपॉन एफ एस इंटू एस इंटू अंडर रूट टू, और इन सब की वैल्यू हमें गिवन है, पुट करके हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा जो अप्रॉक्सीमेट निकलेगा 67 mm। ऐसे ही हम टेंसाइल में भी करेंगे, टेंसाइल में भी हमने वही पुट किया है कि एल इट्स इक्वल टू पी अपॉन एफ टी इंटू एस इंटू अंडर रूट टू, और फिर वही सब वैल्यू पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 48 mm। अब इसमें से हम जो मैक्सिमम होगा उसे ले लेंगे क्योंकि उसने लेंथ हमें नहीं बताई कि हमें किसकी लेंथ बतानी है, तो हम मैक्सिमम लेंथ जो है वो बता देंगे। तो मैक्सिमम जो हमारे पास लेंथ आ रही है वो आ रही है शेयरिंग में 67 mm, तो इसीलिए हम 67 mm को सेफ्टी लेंथ लेके चल रहे हैं। तो 67 mm में अब हम ऐड कर देंगे 12.5। अब 12.5 mm क्यों ऐड किया, इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपको जब
बट जॉइंट पढ़ाया था कि बट जॉइंट में टर्म्स क्या क्या होती हैं। उसमें मैंने आपको एक टर्म्स पढ़ाई थी रूट रेनफोर्समेंट, तो वो जो रेनफोर्समेंट का मतलब था वहाँ मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो ये रेनफोर्समेंट के लिए ही ऐड किया गया है, 12.5 रेनफोर्समेंट के लिए ही यूज़ किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि रेनफोर्समेंट जो होता है वो इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि जो हमारा वेल्डेड जॉइंट है वो फेल ना हो, तो हम एक्स्ट्रा मोटाई लेके चलते हैं। तो इसीलिए उस एक्स्ट्रा मोटाई के लिए हम 12.5 mm को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 67.12.5, इट्स इक्वल टू 79.5 mm, जो हमारे पास हमारी लेंथ आ गई है। तो आपको ऐसे ही न्यूमेरिकल आएंगे, बहुत सिंपल से, बस आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए और उसने पूछा क्या है एक्चुअली आपको वो पता होना चाहिए, उसके बाद आप पूरा अच्छे से सॉल्व कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।